हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अग्रवाल एंड टुडे टॉपिक इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इट्स कॉमनली नोन एज फूड पॉइजनिंग। व्हाई इट्स फूड पॉइजनिंग? बिकॉज इट्स अ फूड बॉर्न डिजीज। समटाइम पीपल हैव आउटसाइड फूड और नॉन वेज, दे गेट सडन इन्फेक्शंस एंड कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। मोस्ट ऑफ टाइम्स कॉमनली चिल्ड्रन आर सफरिंग विथ इट। अराउंड 3 to 5 million चिल्ड्रन आर सफरिंग ईच ईयर ओवर द वर्ल्ड विद फूड पॉइजनिंग और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। 70% ऑफ पेरिसिस कॉजिंग एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। And here, what are the definitions? So, the inflammation of mucous membrane of GI tract is known as gastroenteritis. आज हम आपको food poisoning या gastroenteritis के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये food poisoning क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खाने से फैलता है, food से फैलता है। कभी कभी लोग non-veg या बाहर खाते हैं तो उसके वजह से infection होने का chance ज़्यादा होता है और food poisoning हो जाता है। What are the positive factor? अब इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से फैलता है? तो पहले तो फूड बॉर्न डिजीज, फर्स्ट ये खाने से होता है। एंड सेकेंड, 70% ऑफ वायरसेस कॉजिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दैट इज एक्यूट ओनली। एंड द वायरस इज लाइक एडिनो वायरस, रोटा वायरस, कैल्सी वायरस एंड फ्यू बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। अभी यहाँ पे खाना खाने से या नॉन वेज खाने से बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, वायरस से या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग ज़्यादा होता है। अब इसके लक्षण क्या है, व्हाट आर सिम्टम्स हियर? सो वाटरी और लूज स्टूल, नोजिया, ओमेटिंग, फीवर, टायर्डनेस एंड हाइपोटेंशन। समटाइम्स ड्यू टू सीवियर लूज मोशंस पीपल आर गेटिंग हाइपोटेंशन। तो अभी यहाँ पे लूज मोशंस, ओमेटिंग लगता है या ओमेट रहता है, पेट में दर्द रहता है और बुखार होता है, कभी कभी लो बीपी होता है या पल्स रेट लो हो जाता है, तो ये सभी फूड पॉइजनिंग या लूज मोशन के लक्षण होते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू रूल आउट, इफ यू आर सफरिंग लाइक दिस, विजिट योर डॉक्टर एंड डॉक्टर हैव टू रूल आउट इट एज इट इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन। सो डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, लाइक इज माइल्ड, गो विद ओरल सॉल्यूशंस, इफ इज मॉडरेट, ट्राई टू गो विद आईवी, और सीवियर बेटर टू बी एडमिट एंड मेंटेन द आई फ्लूड एंड ट्रीट फॉर हाइपोटेंशन एज वेल एज इन्फेक्शंस। गेट सम ब्लड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू रूल आउट वॉट एवर ही लॉसेस। हियर मेन थिंग वी हैव टू फोकस ऑन चिल्ड्रेन, बिकॉज चिल्ड्रेन आर मोर रिस्कियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव ORS फॉर देयर डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटैनिक oral solution for dehydrations and feed them very fast, like fast feeding, first for 3 to 4 hours and breastfeeding is compulsory, or you can continue breastfeeding also. And another one, give the supplement whatever he losses, like a zinc supplement and all. तो अभी इससे बचाव कैसे करें या किस वजह से जैसा रहता है, अभी अगर आपको ऐसा हुआ है तो विजिट करिए प्राइमरी हेल्थ केयर या डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर यहाँ पर डिसाइड करें क्या करना है। कभी कभी बीपी ज़्यादा लो हो जाता है, ज़्यादा लूज मोशन होने से, तो सलाइन डालना पड़ता है, नहीं तो आपको एडमिट होना पड़ता है और एडमिट होकर यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर बच्चों को ऐसा हो जाए तो क्या करना है, बच्चे को आप ORS दे दीजिए और उनको दूध पिलाते रहिए, और जो उनको लॉसेस होता है तो उसको भी आप सप्लीमेंट में देते रहें। और बच्चों के लेके तो कभी भी नेवर वेट फॉर इट, विजिट टू डॉक्टर एंड इवन फॉर एनी वन, विजिट डॉक्टर एंड कंसल्ट इट एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।